हेलो फ्रेंड्स आज जो रेसिपी हम देखने जा रहे हैं वो बहुत ही क्विक और इंस्टेंट रेसिपी है और जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी होगा ये तो चलिए देखते हैं क्या है मैंने कुछ कॉर्न ले लिए थे फ्रोज़न कॉर्न एंड मशरूम्स उनको मैंने पानी से एक बार जस्ट वॉश कर लिया था और उसे छान के स्ट्रेन करके एक बोल में ले लिया उसमें थोड़ा से अनियंस थोड़े नमक रेड चिली पेपर जो होते हैं क्रश्ड पेपर्स वो और औरगैनो uh, लीव्स ये सब जो भी आपको इंस्टेंट लाइक अगर आपको पिज़्ज़ा टाइप फ्लेवर देना है तो आप चिली फ्लेक्स और ओरिगानो इटालियन सीजनिंग ये सब ऐड कर सकते हैं उसके अलावा आपको और कौन से भी जो भी स्पाइसेस पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हैं तो मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ब्लैक पेपर पाउडर और uh, जो मेरे पास में कुछ केजन सीजनिंग है जिसमें अनियंस और रेड पेपर्स और सब मिक्स सीजनिंग होता है वो मैंने ऐड कर दिया था आपके पास में कोई भी वेराइटीज़ ऑफ सीजनिंग है ऑलिवस और, और चिली फ्लेक्स डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पिज़्ज़ा टाइप फ्लेवर आ जाएगा और ये मेरे पास में फ्रेश हैलपिन से वो भी मैंने कट करके स्मॉल पीसेस में ऐड कर दिए अब ये लेफ्ट ओवर जो रोटी होती है या आपके पास में तौरतिया हो या इवन ब्रेड हो ब्रेड के स्लाइसिस हो उसको इस तरह से हम रख लेंगे पैन में गरम स्लो फ्लेम पे पैन में और इस पर मैंने केचप स्प्रेड कर दिया है और कोई और अगर आपके पास में कोई आ, डिपिंग सॉस हो कुछ हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें ये मेरे पास में एक था गार्लिक का, का सॉस था तो वो मैंने ऐड कर दिया और उसे मैंने स्प्रेड कर दिया इस रोटी के ऊपर अब जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था कॉर्न मशरूम और अनियन्स uh, और हेलोपिनोज एंड ऑल अदर स्पाइस इस सीजनिंग्स uh, का वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया उस मिक्सचर को और अब उसके ऊपर मैंने जो चीज़ ऐड किया अब ये आप कोई भी वेराइटीज़ ऑफ चीज़ रख सकते इवन चीज़ स्लाइस है आपके पास में तो वो उसके ऊपर रख दें और जो भी इजीली आपके घर में जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो और लेफ़्ट ओवर रोटीज़ हो या तरतियाज़ हो तो आप उससे बना सकते हैं या ब्रेड में भी आप इस तरह से स्प्रेड करके रख सकते हैं और उसे ग्रिल कर दें अगर आपके पास में ग्रिलर आपको यूज़ करने का मन हो तो वो कर दें या पैन में भी आप इजीली इसे जो है दोनों तरफ से ग्रिल कर दें और ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छा बच्चों के लिए नाश्ता रेडी हो जाता है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और हम इस तरह से लेफ़्ट ओवर रोटीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं ख़त्म कर सकते हैं या जो ब्रेड है उसे भी हेल्दी वर्जन बना के खा सकते हैं तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय